I'm not supposed to say what I'm going to say right now, but I have to let you in on a secret. Say it. Please don't videotape what I'm going to say, okay? Turn that off, please. You know what? I don't mind. Tape it. This is an evil man. And Michael, this man follows me, she said. He taps her phones. And he's very, very evil, and she doesn't trust him. And he is a horrible human being. And we have to continue our drive until he's terminated. Oh, there you go. Slave contracts. Slave contracts is one of the biggest problems in music industry right now. जितने भी artist हैं, जितने भी लोग हैं जिनके पास skill है, जो performers बनना चाहते हैं, जो artist बनना चाहते हैं, जो अपनी खुद की audience बनाना चाहते हैं, famous होना चाहते हैं, एक career बनाना चाहते हैं as a famous musician, उन्हीं सारे लोगों को labels, बड़े बड़े labels इन्हीं slave contracts के through अपने कब्जे में कर लेते हैं. Labels नए नए artist को false hope दे के ये slave contract sign करवा लेते हैं. आसान लैंग्वेज में समझाऊं तो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू आर्टिस्ट को लेबल साइन कर लेती है और आर्टिस्ट से बहुत सारा काम कराया जाता है और उस काम की वजह से जितना भी पैसा जनरेट होता है उस पैसे का एक बहुत ही छोटा पार्ट या फिर ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं मिलता है आर्टिस्ट को और जो मेजॉरिटी पार्ट है वो सारा का सारा लेबल ले जाता है. ऐसे ही कितने सारे आर्टिस्ट है जो लेबल्स के साथ फंस चुके हैं और वो निकल नहीं सकते क्योंकि उन्होंने स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं. अब स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स का माइकल जैक्सन से क्या लेना देना है, इनफैक्ट इस वीडियो से क्या लेना देना है, ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा. और कुछ और सवाल है जैसे माइकल जैक्सन के अराउंड क्या कंस्पिरेसी थियोरीज है, क्यों कुछ लोग अभी भी बिलीव करते हैं कि माइकल जैक्सन इज स्टिल अलाइव. साथ ही साथ माइकल जैक्सन की डेथ कैसे हुई थी, क्या वो एक मर्डर था, और अगर वो एक मर्डर भी था तो वो किसने और क्यों करवाया था. ये जो सारे सवाल हैं ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं और आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे हम इस वीडियो में. और तुम्हें पता है सबसे बड़ी कंस्पिरेसी और सबसे बड़ा सवाल क्या है माइकल जैक्सन के अराउंड, कि डिड माइकल जैक्सन फेक हिज डेथ. माइकल जैक्सन से बड़ा आर्टिस्ट ना कोई कभी था और ना कोई कभी होगा. आज के टाइम पे जो भी लोग हैं जो म्यूज़िक सुनते हैं वो कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि अभी के आर्टिस्ट जैसे टेलर स्विफ्ट या फिर द वीकेंड ऐसे शायद कुछ आर्टिस्ट है जो माइकल जैक्सन के लेवल पे पहुंच चुके हैं. लेकिन जो लोग माइकल जैक्सन को पुराने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं और बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं माइकल जैक्सन के, उनको पता है कि माइकल जैक्सन कितनी बड़ी डील थे. माइकल जैक्सन एज अ ब्रांड वॉज ह्यूज. माइकल जैक्सन के इतने सारे डाई हार्ड फैंस थे कि माइकल के शोज में भी इफ माइकल जैक्सन वॉज जस्ट स्टैंडिंग लाइक वो कुछ भी नहीं कर रहे स्टिल फैंस उनको देख के बेहोश होते थे. शोज के टाइम पे क्राउड को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था और लोग तरसते थे सिर्फ एक बार माइकल जैक्सन को देखने के लिए. माइकल जैक्सन एज अ ब्रांड इतना बड़ा बन चुका था कि द अमाउंट ऑफ मनी जो US गवर्नमेंट को और बाकी सारे लोगों को भी बड़ी बड़ी कंपनीज को आता था माइकल जैक्सन के थ्रू वॉज इनसेन. इतना पैसा आता था कि तुम गिन भी नहीं सकते. माइकल जैक्सन के अराउंड जो कंस्पिरेसी थियरीज हैं उनमें उतरने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ स्मार्ट माइकल जैक्सन वॉज. माइकल जैक्सन वॉज एक्सट्रीमली स्मार्ट. अब मैं बताता हूँ कैसे. मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ. Eminem ने माइकल जैक्सन को काइंड ऑफ डिस करा था अपने एक ट्रैक में. उस ट्रैक की म्यूजिक वीडियो में ही ट्राइड टू मिमिक माइकल जैक्सन और माइकल जैक्सन का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसको वापस से मिमिक करा गया था म्यूजिक वीडियो में जो माइकल जैक्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आया था. अब कोई भी और आर्टिस्ट होता तो वो शायद Eminem को वापस रिप्लाई करता सॉन्ग के थ्रू या फिर पब्लिकली कुछ कॉमेंट करता. I've never met, Mr. Eminem and, to have him, I've always admired him, and to have him do something like that was pretty painful as an artist to another artist, and it's sad because well, I think what Stevie Wonder said is true, and I just don't want to say too much more than that.
but he should be ashamed of himself, what he's doing. माइकल जैक्सन ने मीडिया में आके सीधा सीधा सिर्फ ये चीज़ बोली थी कि उनको ये गाना और जिस तरीके से ये गाने की म्यूज़िक वीडियो थी वो काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल लगी। उससे ज़्यादा माइकल ने कुछ नहीं करा, ऐसा लोगों को लग रहा था। लेकिन पीछे से माइकल जैक्सन एक ऐसा मूव प्लान कर रहे थे विच वॉज इनसेन। नॉर्मल पब्लिक को लग रहा था कि ये जो बीफ शुरू हुआ था माइकल जैक्सन और एमिनेम के बीच में, ये कुछ दिन ही चला उसके बाद खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद जो माइकल जैक्सन ने करा वो कोई सोच भी नहीं सकता था। माइकल जैक्सन बॉट Eminem's whole catalog. Indirectly, Michael Jackson ने Eminem के सारे गाने खरीद लिए थे। तो अब Eminem कहीं भी परफॉर्म करते थे तो उसके थ्रू थोड़ा पैसा हर बार Michael Jackson को जाता था। Every time Eminem performed, Michael Jackson got paid. तुम खुद सोच सकते हो कि कितना स्मार्ट होने की जरूरत है इस मूव को प्लान करने के लिए। और इससे हमें ये भी कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि हाउ पावरफुल माइकल जैक्सन वॉज। ये एक बहुत ही तगड़ा मूव था और ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। लेकिन अगर तुम्हें ये मूव बहुत ही तगड़ा लग रहा है तो मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ अबाउट द बीफ बिटवीन माइकल जैक्सन एंड सोनी। माइकल जैक्सन और सोनी ने बहुत लंबे टाइम तक एक दूसरे के साथ काम करा था। आई थिंक मोर देन अ डेकेड दोनों ने एक दूसरे को दिया था। और माइकल जैक्सन के बहुत सारे सॉन्ग्स बाहर आए थे सोनी के थ्रू। फॉर मेनी ईयर्स माइकल जैक्सन के बहुत सारे गाने लगातार सोनी के थ्रू आए थे, जिसके थ्रू माइकल जैक्सन साथ ही साथ सोनी ने बहुत सारा पैसा कमाया था। लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनके वजह से सोनी और माइकल जैक्सन के बीच में एक बीफ शुरू हो गया था, एक लड़ाई शुरू हो गई थी। और इस लड़ाई की शुरुआत कहीं ना कहीं इस चीज़ से हुई थी कि सोनी ने माइकल जैक्सन के म्यूज़िक के साथ इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। और साथ ही साथ जो बजट सोनी अलॉट करती थी फॉर माइकल जैक्सन म्यूज़िक एंड म्यूज़िक वीडियोज़, वो सोनी ने बहुत ज़्यादा कम कर दिया था, जिसकी वजह से माइकल जैक्सन के गानों पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। जो काम सोनी का था टू प्रमोट माइकल्स म्यूज़िक, वो सोनी कर ही नहीं रही थी। ये सबसे पहली न्यूज़ बाहर आई थी। लेकिन उसके बाद सोनी और माइकल जैक्सन के बीच में लड़ाई चलती रही, लेकिन लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि ये क्यों चल रही है और क्या हो रहा है। फिर एक दिन माइकल जैक्सन ने पब्लिकली आके ये चीज बोली। At Sony, I've generated several billion dollars for Sony. Several billion. And they really thought that my mind is always on music and dancing and it usually is, but they never thought that this performer myself would outthink them. Yeah. So I'm leaving Sony a free agent, owning half of Sony. So I own half of Sony's publishing and I'm leaving them. And they're very angry at me because of it, but I just did good business, you know. Michael Jackson ne ye announce kara ki he bought 50% of Sony. जिस लेबल के साथ माइकल जैक्सन इतने सालों से काम कर रहे थे, माइकल जैक्सन ने उस लेबल को ही आधा खरीद लिया था। और आधा लेबल खरीदने के बाद माइकल जैक्सन प्लान्ड ऑन लीविंग इट। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेस मूव्स इन द होल म्यूजिक इंडस्ट्री। ये मूव इतना ज्यादा बढ़िया था कि इस बिजनेस मूव के बारे में टिल डेट बात करी जाती है। लेकिन माइकल जैक्सन ने पब्लिकली आके सिर्फ इतना ही नहीं बताया, माइकल जैक्सन ने कुछ और चीजें बोली थी जिसके बाद काफी सारी कंस्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट हो गई थी। And Tommy Mottola is a devil. Oh, respect. I'm not supposed to say what I'm going to say right now, but I have to let you in on a secret. Say it. Please don't videotape what I'm going to say, okay? Turn that off, please. Know what? I don't mind. Tape it. Mariah Carey, after divorcing Tommy, came to me crying. She was crying so badly I had to hold her. And she said to me that this is an evil man. And Michael, this man follows me, she said. He taps her phones. And he's very, very evil and she doesn't trust him. And he is a horrible human being. And we have to continue our drive until he's terminated. Oh, there you go.
माइकल जैक्सन ने ओपनली आके बोला था कि टॉमी मोटोला इज एन ईविल मैन। उन्होंने ये भी बताया कि उस टाइम पे एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी मराया कैरी, जो एक्स वाइफ थी टॉमी मोटोला की, द सीईओ ऑफ सोनी। टॉमी मोटोला यूज टू फॉलो हर, टॉमी यूज टू फॉलो मराया कैरी, एंड साथ ही साथ वो मराया कैरी के फोन भी टैप करते थे, फोन रिकॉर्डिंग्स भी जाती थी टॉमी के पास, बिकॉज टॉमी मोटोला वॉज वेरी पावरफुल। एंड मराया कैरी ने ये सब कुछ माइकल जैक्सन को बताया था, और माइकल जैक्सन ने आके पब्लिकली ये सबको बता दिया कि टॉमी मोटोला द सीईओ ऑफ सोनी इज एन ईविल मैन। और ये मराया कैरी सिचुएशन सुनने के बाद, और साथ ही साथ माइकल जैक्सन का भी स्टेटमेंट कि सोनी किल्स म्यूजिक, बहुत बड़ा बवाल शुरू हो गया था इसके बाद। इमेजिन कि म्यूजिक इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े लेजेंड्स, वन द बिगेस्ट लेबल सोनी एंड दूसरी साइड द बिगेस्ट पॉप स्टार माइकल जैक्सन, इन दोनों के बीच में बीफ शुरू हो जाए, लाइक इमेजिन ये कितनी बड़ी चीज थी। साथ ही साथ माइकल जैक्सन ने ये भी बोला था कि टॉमी मोटोला इज अ रेसिस्ट, टॉमी मोटोला अलाउ नहीं करते हैं ब्लैक आर्टिस्ट को टू ग्रो। अगर टॉमी मोटोला के बस में है तो वो पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी ब्लैक आर्टिस्ट ग्रो ना करे, चाहे वो आर्टिस्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो। एंड माइकल जैक्सन टुक इट अ लिटिल पर्सनली बिकॉज माइकल जैक्सन वॉज ब्लैक हिमसेल्फ। ये जो लड़ाई थी माइकल जैक्सन और सोनी के बीच में, इसके बहुत सारे रीजन्स थे, लेकिन ये रीजन्स इंपॉर्टेंट नहीं है। द मेन पॉइंट इज कि इस लड़ाई के बाद क्या हुआ। इस लड़ाई का aftermath समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा 1983 में, जब माइकल जैक्सन को एक एड मिली हुई थी पेप्सी की तरफ से, एंड वो पेप्सी का एक कमर्शियल शूट कर रहे थे। माइकल जैक्सन वॉज यंग एट दैट टाइम, और उस टाइम पे तुम देख सकते हो कि अपीयरेंस भी काफी ज्यादा अलग थी। पेप्सी के उस कमर्शियल में देयर वॉज पायरो, और पायरो के बहुत करीब खड़े होने की वजह से जब वो पायरो चला तो उसके वजह से माइकल जैक्सन की जैकेट और उनके बालों में आग लग गई थी। थोड़ी देर तक माइकल जैक्सन को रियलाइज ही नहीं हुआ कि उनके बालों में आग लगी हुई है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस में पूरे तरीके से बिजी थे, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ही उनको रियलाइज हुआ कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनको सडन बर्न फील हुआ सर में, और एकदम से लोग आए आसपास उनको बचाने के लिए। उस एक्सीडेंट की वजह से काफी सिवियर बर्न्स आ गए थे माइकल जैक्सन के स्कैल्प पे, बट ही सर्वाइव्ड। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस के थ्रू जाने की वजह से, मेडिकेशन की वजह से और प्लास्टिक सर्जरीज की वजह से माइकल जैक्सन का पूरा अपीयरेंस ही चेंज हो गया था ओवर टाइम। माइकल जैक्सन को बहुत सारी मेडिकेशंस लेनी पड़ी थी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और उसके वजह से उनका पूरा अपीयरेंस चेंज हो गया था, और इसी वजह से माइकल जैक्सन लुक्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम बिफोर। लाइक तुम पहले की पिक्चर देख सकते हो माइकल जैक्सन की, एंड तुम बाद की पिक्चर देख सकते हो। माइकल जैक्सन की रेगुलर मेडिकेशन के अंदर एक मेडिसिन थी जो बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी का पार्ट बनने वाली थी, विच वॉज प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल माइकल जैक्सन को दिया जाता था बिकॉज माइकल जैक्सन वॉज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, बिकॉज उनका दिमाग बहुत सारी जगह चल रहा होता था एंड वो सो नहीं पाते थे ढंग से। एंड माइकल जैक्सन हैड अ डॉक्टर, माइकल जैक्सन के साथ जो डॉक्टर था वो हर टाइम माइकल के साथ रहता था, और वो हर रात बहुत छोटे अमाउंट में प्रोपोफॉल देते थे माइकल जैक्सन को थ्रू अ ड्रिप। ऐसे ही काफ़ी सालों तक चला, और उसके बाद एक दिन एक ऐसी न्यूज़ आई जिसके साथ पूरी दुनिया हिल गई थी। We're getting some breaking news coming into the situation right now from about Michael Jackson, the king of pop, who's 50 years old. Let's go to Deborah Farrick. She's working the story for us. What are we picking up, Deb? Well, Wolf, here's what we can tell you. This is what's being reported by KTLA. Apparently, Michael Jackson suffered cardiac arrest this afternoon. Michael Jackson died due to a drug overdose. Suddenly, Michael Jackson को hospital ले जाया गया, and वहाँ पे Michael Jackson was declared dead. और इस चीज़ का सारा blame आ गया doctor पे. Doctor ने सीधा बोला कि मैं proper doctor हूँ, मैंने Michael को नहीं मारा है, this was an accident, या फिर Michael Jackson की normally death हुई है। इस case में बहुत सारी complications थी, लेकिन ये जो पूरा case था उस doctor पे for drug overdose, ये काफ़ी लंबे time तक चला, और जो public थी वो बहुत गुस्से में थी, क्योंकि पब्लिक को ये फील हो रहा था कि माइकल जैक्सन को नहीं मरना चाहिए था, अगर थोड़ा और ध्यान रखा जाता तो शायद माइकल जैक्सन जिंदा होते। माइकल जैक्सन के डॉक्टर को गिल्टी प्रूव कर दिया गया और जेल भेज दिया गया, लेकिन थोड़े साल बाद ही छोड़ दिया गया उस डॉक्टर को बिकॉज ऑफ गुड बिहेवियर, एंड आफ्टर दैट ही वॉज अ फ्री मैन। तो बेसिकली देखा जाए तो माइकल जैक्सन डाइड, और उसका रीजन था द डॉक्टर, एंड द डॉक्टर देन सर्व्ड 3 years in jail, and then he was free. Basically, बहुत ही छोटे टाइम में
इस पूरे केस को खत्म कर दिया गया। लेकिन मैं ये सारी बातें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहीं से शुरू होती है द कंस्पिरेसी थियोरीज अबाउट माइकल जैक्सन। द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट बिलीव्ड कंस्पिरेसी थियोरी अबाउट माइकल जैक्सन इज दैट माइकल जैक्सन वॉज किल्ड बाय टॉमी मोटोला बिकॉज माइकल जैक्सन स्टार्टेड टू स्पीक अप। माइकल जैक्सन काफी टाइम से इंडस्ट्री में थे, तो इनडायरेक्टली माइकल जैक्सन न्यू एवरी डर्टी सीक्रेट अबाउट द इंडस्ट्री एंड स्पेशली अबाउट सोनी, बिकॉज सोनी के साथ काम करने की वजह से ही न्यू एवरीथिंग जो अंदर ही अंदर चल रही है। माइकल जैक्सन बेसिकली न्यू टू मच, और ये चीज़ पता थी टॉमी मोटोला को। टॉमी मोटोला द ओनर ऑफ सोनी बहुत टाइम से बदनाम थे बिकॉज ऑफ स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ साथ द होल मराया कैरी सिचुएशन की वजह से हम समझ सकते हैं कि टॉमी मोटोला वॉज एन ईविल मैन। एंड वेन ही रियलाइज्ड कि माइकल जैक्सन इज स्पीकिंग आउट एंड ही नोज टू मच, कहीं ना कहीं माइकल जैक्सन को मारा गया है टॉमी मोटोला के थ्रू यूजिंग माइकल जैक्सन ओन डॉक्टर। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पे पता चला था कि जो माइकल जैक्सन का डॉक्टर था उसकी लाइफ में काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था काफ़ी जगह पे, ही नीडेड मनी। एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि टॉमी मोटोला सेड कि एक काम करते हैं, मैं पैसा तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, यू डू दिस, गेट रिड ऑफ माइकल जैक्सन एंड एक दो साल जेल में रहने के बाद यू कैन कम आउट। इट्स वेरी पॉसिबल कि यही हुआ हो, क्योंकि काफ़ी लोग जो माइकल जैक्सन के पास रहते थे उन्होंने सीधा सीधा ये बोल दिया था कि माइकल जैक्सन वॉज प्रिटी हेल्दी कंपेयर टू अ 50 ईयर ओल्ड मैन, लाइक ही वॉज प्रिटी हेल्दी और उनको इतना जल्दी नहीं मरना चाहिए था। बेसिकली माइकल जैक्सन वॉज मर्डर्ड। साथ ही साथ एक बहुत ही क्रेजी चीज़ हुई थी अगर तुम नोटिस करो तो, एज सून एज माइकल जैक्सन स्टार्टेड स्पीकिंग आउट अगेंस्ट सोनी एंड अगेंस्ट लेबल्स एंड अगेंस्ट एवरीथिंग जो खराब चल रही थी म्यूजिक इंडस्ट्री में, काफी सारे फॉल्स एलिगेशंस लगने शुरू हो गए थे माइकल जैक्सन पे। माइकल जैक्सन पे काफी सारे ऐसे एलिगेशंस लगे थे और उसके बाद काफी साल ट्रायल चलने के बाद ये प्रूव हो गया था कि माइकल जैक्सन इज नॉट गिल्टी। तो फॉल्स एक्यूजेशन एट द टाइम जब माइकल जैक्सन ने सबको एक्सपोज करना शुरू करा था एंड जब एक्सट्रीमली एक्सपोज होने लगी सोनी, माइकल जैक्सन डाइड, इट मेक सेंस कि ये टॉमी मोटोला ने कराया। नाउ कम्स द सेकंड कंस्पिरेसी थियरी, और ये कंस्पिरेसी थियरी दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। एक पार्ट होगा उन लोगों के लिए जो माइकल जैक्सन के फैंस कभी थे नहीं, बस जानते हैं माइकल जैक्सन के बारे में, उनको लगेगा कि ये थियरी बकवास है। एंड द सेकेंड पार्ट इज उन लोगों के लिए जो माइकल जैक्सन के फैन है बहुत टाइम से एंड कहीं ना कहीं उनको ये थियरी ट्रू लग सकती है। हमने डिस्कस करा था कि हाउ स्मार्ट माइकल वॉज एंड साथ ही साथ माइकल जैक्सन वॉज वेरी पावरफुल, ही हैड मनी, ही हैड सोर्सेज, ही हैड एवरीथिंग। साथ ही साथ एक कमाल का फैक्ट बताता हूँ कि माइकल जैक्सन वॉज The king of disguise। Michael Jackson को अच्छे से आता था अपना भेस बदलना, और ये काफी सारे celebrities ने भी कहा है। Movies? You go to the movies? He said, yeah, let's go. So he goes into the room. 20 minutes later, he comes back out. And I'm like, okay, shit, where's Mike? The guy that came back out was like, I'm right here. I was like, this ain't Mike. I said, Mike, that's you. This nigga came out looking like an old man. With a long ass beard, this little hat move and his trench, like a complete disguise. Look, what kind of disguise did he have? Explain it to me. He had a beard for sure. He had a fake beard. He had a beard. Wow. Okay. He definitely looked like an older white guy. I mean, even the clothes that he had on. माइकल जैक्सन वॉज वेरी पॉपुलर एंड कहीं भी बाहर जाना होता था तो ही यूज टू चेंज हिमसेल्फ, अपना हुलिया बदल के ही यूज टू गो आउट एंड ही वॉज ग्रेट एट इट। तो द सेकेंड कंस्पिरेसी थियरी इज दैट माइकल जैक्सन फेक्ड हिज डेथ। आई नो इट साउंड्स क्रेजी बट हियर मी आउट। माइकल जैक्सन फेक्ड हिज डेथ क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्सपोज करने लग गए थे पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को एंड कहीं ना कहीं म्यूजिक इंडस्ट्री वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिम। एंड ऑफकोर्स माइकल वॉज स्मार्ट इनफ एंड साथ ही साथ माइकल वॉज पावरफुल इनफ, ही न्यू कि ऐसा कुछ होने वाला है। वॉट इफ ही फेक्ड हिज ओन डेथ इससे पहले कोई और आके कुछ करे? इट्स वेरी पॉसिबल। ये थियरी काफ़ी सारे माइकल जैक्सन फैंस बिलीव करते हैं और करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि भाई इतना बड़ा पॉप स्टार ऐसे ही मर गया हो, ऐसे ही वेस्ट चली गई हो लाइफ। वो काफ़ी सारे फैंस ये चीज़ बिलीव नहीं करना चाहते हैं। और इस थियरी को फ्यूल पता है तुम्हें कब मिला? जब एक टीवी शो पे एक विक्टिम आया था, अ बर्न विक्टिम, और जब माइकल जैक्सन के फैंस ने उस विक्टिम को देखा, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि दिस इज माइकल जैक्सन। खुद देखो द फ्यूनरल
And Dave, yes, that's his name, Dave. He was David Rothenberg. He was set on fire in 1983, suffered, as you can see, terrible scars. Michael Jackson befriended him and paid for a lot of his surgeries. Dave is also attending the burial. Why Dave? Well, to liberate myself from the confines of my father's criminality. He caused the fire? Yeah. He is a criminal, and he caused all this. To free myself of his name and his legacy, I decided to become my own person. जो माइकल जैक्सन फैंस हैं वो देख के सीधा सीधा बोल सकते हैं कि दिस इज माइकल जैक्सन. द वे ही सिट्स, द वे ही टॉक्स, इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव कि ये इंसान माइकल जैक्सन नहीं है. इस इंसान का नाम था डेव. एंड कमाल की बात ये है कि डेव और माइकल जैक्सन की साथ में पिक्चर है, और वो भी पुराने टाइम की. तो इस थियोरी में ज़्यादा वेट है नहीं. लेकिन अगर हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं दैट माइकल जैक्सन वॉज किंग ऑफ डिसगाइज एंड डेव वॉज सिवियरली बर्नड इन हिज चाइल्डहुड, तो इट्स वेरी पॉसिबल कि माइकल जैक्सन भी ऐसे ही कहीं घूम रहे हो. जस्ट अ थियोरी. इस कंस्पिरेसी थियोरी से एक चीज़ तो प्रूव होती है दैट द म्यूजिक इंडस्ट्री इज वेरी ईविल. इट्स वेरी ईविल. देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन. बहुत कल्ट लाइक बिहेवियर है म्यूजिक इंडस्ट्री का. इट्स लाइक कि अगर एक आर्टिस्ट है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है इस इंडस्ट्री में घुसना, और अगर कोई आर्टिस्ट एक बार एंटर कर जाए इस इंडस्ट्री को तो वो आसानी से बाहर नहीं जा सकता.